गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द TSN स्कूल. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 11. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कोर्स में से रिमूव कर दिया गया है बेटा. जो 30% कोर्स CBSE की तरफ से जो आपका रिड्यूस हुआ है, उसमें से इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसे रिड्यूस कर दिया गया है. देन इन आवर कोर्स द टॉपिक इज स्टार्टेड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. इन चैप्टर नंबर 10 टू फिनोमिना की स्टडी हमने किया था, वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. ये जो चैप्टर है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर टोटली बेस्ड है. तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे लेंगे वो लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं आपके सामने, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. या ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया है आपका. यहाँ पर ग्लास प्रिज्म में जब रे ऑफ लाइट एंटर होती है तो कितने एंगल्स वहाँ पर बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, उनके नेम क्या हैं और उन्हें हम किससे शो करते हैं, वो सभी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो फर्स्ट ग्लास प्रिज्म क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ग्लास यानी कि कांच से बना हुआ है. एंड प्रिज्म में क्या होता है बेटा कि एक रेक्टेंगल स्लाइस जो होती है वो तो उसका बेस होता है, और ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल इस साइड में यहाँ से और इस जगह पर, यहाँ से आपस के अंदर कनेक्ट होते हैं इस तरीके से ऊंचे उठे हुए, और इस तरह की एक शेप बनती है. ये जो हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है ये ग्लास प्रिज्म है. इट इज़ नॉट अ थ्री डायमेंशनल डायग्राम, इट जस्ट अ टू डायमेंशनल डायग्राम. इसीलिए हम इसका केवल फ्रंट साइड ही देख पाते हैं और साइड जो हैं वो हम देख पा रहे हैं, जो बैक साइड है वो हम इसकी नहीं देख पाते. ओके, तो डायग्राम में हम इसे इसी तरीके से शो करेंगे ट्रायंगल फॉर्म के अंदर. यहाँ पर बताया गया है रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट एंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है. यही देखा था हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जो रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसकी जो वीडियो है वो एक बार आप ज़रूर देख लें. और वहाँ से हमें इस चैप्टर के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी. जब रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर हो रही है तो उसे किस तरह जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम अलग होने की वजह से ये बैंड हो जाती है. कहाँ हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल. अगर इसके लिए, इस लाइन के लिए, इस रेज के लिए नॉर्मल कहाँ पर है, ये है, तो ये कहाँ पर चल जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी. ओके, फिर वहाँ से ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म के अंदर जाती है. स्ट्रेट फॉर्म में जा रही है तो ग्लास कैसा है, भरा हुआ मीडियम है, डेंस मीडियम है. ठीक है, तो डेंस मीडियम है तो इसमें से जब रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ निकलेगी तो एक्चुअल के अंदर उसे कहाँ जाना चाहिए था, एक्चुअल के अंदर तो रे ऑफ लाइट को इस तरीके से तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो अगेन इस बार नॉर्मल का वर्क कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट कर रहा है, तो ये अवे टू द नॉर्मल हो जाएगा और ये इसके पास की तरफ बैंड हो जाएगी. ओके, तो यहाँ रे ऑफ लाइट के इस तरीके से एंटर होने के बाद में कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए. अगर हम लोग इसे नॉर्मल मानते हैं तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पुट अप हो रहा है एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल नीचे की तरफ आ रहा है. अगर हम इस वाली रे की बात करते हैं तो इनके लिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे. इस प्रिज्म के अंदर जो एंगल बन रहे हैं ए बी और सी, तो देखिए पी ई बात करते हैं हम सबसे पहले. ये रहा आपका पॉइंट पी और ये रहा आपका पॉइंट ई. तो पी ई क्या है, इंसिडेंट रे है. ई एफ इज अ रिफ्लेक्टेड रे, एफ एस इज अ इमर्ज्ड रे, एंड एंगल ए एंगल ऑफ द प्रिज्म. अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल ए क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म है, और ए के अलावा बी और सी जो हैं वो भी एंगल्स ऑफ द प्रिज्म ही हैं. एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये रहा एंगल आई. नीचे की तरफ एंगल आर है, एंगल आर इज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन.
फिर नेक्स्ट है आपके पास एंगल ई। एंगल ई जो है ये देखिए यहाँ पर एंगल ई, एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन। ओके एंगल डी ये यार ये रहा यहाँ पर, इट इज अ एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपके पास लास्ट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है और ये 1.5 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो रहा है यहाँ से। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे बनाने की प्रैक्टिस कर लें, किस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है, जो एंगल्स हैं वो कहाँ पर पुटअप होंगे और नेम ऑफ द एंगल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके नाउ नेक्स्ट ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट प्रिज्म में से बाहर निकल रही है तो वो वेरियस पाथ के अंदर विभक्त हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन अ वेरियस रैंडम डायरेक्शन। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए जो टॉपिक इससे कनेक्टेड है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ये जो थ्री ये जो चैप्टर है बेटा ये पूरा ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अभी जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से पहले ये वाला जो पार्ट हमने देखा प्रिज्म वाला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करने के लिए भी आएगा। और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट, कि किस तरीके से 7 कलर्स के अंदर जो लाइट विभक्त हुई है वो वापस से मिलकर एक वाइट लाइट में कन्वर्ट होती है, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट। देखिए यहाँ पर बीम ऑफ वाइट लाइट आया है और बीम ऑफ वाइट लाइट आने के बाद में यहाँ से इस जगह के ऊपर क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट आ रही है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो यहाँ पर ये अपने पास से इसमें डेविएशन आ जाएगा और उसके बाद में जब ये वाइट लाइट यहाँ से बाहर निकलती है तो यह 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एक वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है, बंट जाती है 7 कलर्स के अंदर, जिसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। इफ यू हैव क्वेश्चन राइट द डेफिनेशन ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट, तो आपको वहाँ पे ये लिखना है कि कोई भी वाइट लाइट जो होती है जब वो ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलती है तो 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है, जिसे कि हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट हैज़ द कलर्स वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। ये आप बहुत ध्यान रखें कि जो सीक्वेंस है उसे हमें चेंज नहीं करना। यस स्टूडेंट बिल्कुल आप बहुत ध्यान दें यहाँ पर कि आपको जो सीक्वेंस है कलर्स का उसे चेंज नहीं करना है, आपको इसी फॉर्म में इसे लर्न करना है। इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने ले ली है इसे लर्न करने की और वो शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। ठीक है वी दैट मीन्स वायलेट, नेक्स्ट आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम कलर्स को मार्क करेंगे तो हम विबग्योर मार्क करेंगे। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट एंड द वाइट लाइट बैंड्स द मोस्ट। ये हमें इस डायग्राम को देखने से ही मालूम चल रहा है कि जो वाइट लाइट जो रेड लाइट है वो बहुत कम बैंड हो रही है। देखिए यहाँ से आइए इधर और इधर आने के बाद में जस्ट केवल इतना सा ही जा रहा है, जबकि जो वायलेट कलर जो है उसे यहाँ से आने के बाद में पूरा नीचे तक बैंड होना हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कौन बैंड हो रहा है, वाइट लाइट जो है वायलेट लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बैंड हो रही है। नेक्स्ट ये हमारे पास इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है कि किस तरीके से वाइट लाइट जो है वो ग्लास प्रिज्म से निकलने के बाद में 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो रही है। अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ अ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट। जब 7 कलर्स जो होते हैं, जब ये इतना वाला जो पार्ट है ये वाला, ये तो कहलाएगा डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट।
ओके, जब इन सेवन कलर्स को वाइट लाइट जो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो गई है, जब इन्हें इनके आगे कोई प्रिज्म उल्टा रख दिया जाता है तो यही सेवन कलर्स वापस एक वाइट लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट अप इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। व्हेन दीज कलर्स आर अलाउड टू फॉल ऑन एन इन्वर्टेड ग्लास, ध्यान दीजिए ऑन एन इन्वर्टेड ग्लास, जब उल्टे ग्लास प्रिज्म के को रख दिया जाता है, देन इट्स रिकम्बाइंस टू प्रोड्यूस वाइट लाइट। तो ये जो कलर हैं सेवन कलर जो हैं वापस से एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप इसे ड्रॉ करें तो इम्पॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है ये जिस तरीके से बैंड हो रही है लाइट, देखिए आप पहले यहाँ पर इस जगह पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हल्का सा डिवेट हो रहा है और उसके बाद में ये इस तरीके से जा रहा है, इसमें से बाहर निकलने पर ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसे जब उल्टे प्रिज्म के अंदर डालते हैं तो ये इस तरीके से जा रहा है और ऐसे करके ये बाहर की तरफ ऊपर की तरफ निकल रहा है, यानी नीचे से लाइट एंटर हो रही है और ऊपर की तरफ निकल रही है यहाँ से। तो बीच में यहाँ पर जितनी बार ये चेंज हुआ है, ये जितनी बार चेंज हुआ है, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ पर किन किन पॉइंट्स के ऊपर कितना लाइट में चेंज आ रहा है, कितनी लाइट रे जो है वो बैंड हो रही है, उसका हमें ध्यान रखना है डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त। ओके, तो आज हमने इम्पॉर्टेंटली 3 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं, फर्स्ट प्रिज्म वाला, सेकंड डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट, और फिर हमने सीखा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट। नेक्स्ट यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट पासिंग थ्रू द कैनोपी ऑफ अ फॉरेस्ट। ये देखिए, ये जो आप देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जंगल बहुत घने होते हैं, सघन होते हैं, तो जो धूप की सूरज की रोशनी होती है, जो धूप होती है, वो डायरेक्ट नीचे नहीं आ रही है बल्कि इस तरीके से आती है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट का और एग्जाम्पल देखिए, सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय जो हमें रेडिश कलर दिखाई देता है स्काई में, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमोसफियर। तो और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द सनसेट और सनराइज इज रेड। ठीक है, यहाँ पर जो हमें आसमान का नीला रंग दिखाई देता है, यदि आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि वाई वी सी द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमोसफियर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ अ मेन आंसर, जैसे ही आप ये लिखते हैं आपको 1 मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। एंड द सनसेट एंड द सनराइज, सनसेट सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में हमें आकाश लाल दिखाई देता है, आसमान हमें लाल दिखाई देता है, तो उसके पीछे भी रीज़न क्या है, उसके पीछे भी रीज़न स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। ओके, तो 1 मार्क्स में आएगा तो हमें ये लिखना है, और यदि 1.5 में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे इस टॉपिक की, वहाँ पर हम लेंगे कि हमें उसका डिटेल में आंसर क्या लिखना है। इसके बाद में इन माय नेक्स्ट पार्ट आई विल बी स्टार्ट द टिंडल इफेक्ट, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द टिंडल इफेक्ट। आई होप कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिर हम आपको सॉर्ट आउट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।